नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी हमें हाजीपुर बिहार की रहने वाली शिखा श्रीवास्तव जी ने भेजी है। दोस्तों, अगर आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो शिखा जी को प्रतिलिपि पर फॉलो करें, और अगर आप मेरी आवाज़ में ये कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें और कहानी का आनंद लें, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक अंधेरी रात में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतरकर लाठी के सहारे धीमे कदमों से शहर के अंतिम छोर पर स्थित कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर मौजूद चौकीदार ने उन बुजुर्ग को देखकर सम्मान के साथ रास्ता छोड़ दिया। अपनी लाठी टेकते हुए वो व्यक्ति, जिनका नाम मार्क था, कब्रिस्तान के कोने में स्थित एक पुरानी कब्र के आगे जाकर रुक गए। कब्र पर बिखरे हुए सूखे पत्तों और झाड़ियों को साफ करके उन्होंने अपने साथ लाए पीले फूल वहां चढ़ा दिए और फिर कब्र को ऐसे सहलाने लगे जैसे कोई बाप अपने बच्चे को प्यार से दुलारता है। उनकी आंखों से बहते हुए आंसू की बूंदें जैसे ही कब्र पर गिरी, उसी क्षण उस कब्र के अंदर से एक रोशनी निकलकर वहीं कुछ दूरी पर स्थित एक कब्र के अंदर समा गई। ये देखकर मार्क सहसा चौंक पड़े। उन्होंने एक बार फिर उस कब्र को सहलाया और कहा, मैं समझ गया बेटी, तेरा इशारा किस तरफ है, मैं जाकर देखता हूँ। वहां से उठकर मार्क उस कब्र के पास गए जिसमें अभी अभी रोशनी की किरण समाई थी। मार्क ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और कब्र पर लिखा हुआ नाम पढ़ा, स्टेला, उम्र 23 साल। मन ही मन कुछ विचार करके मार्क ने उस कब्र पर अपनी दोनों हथेलियां रखी और आंखें बंद करके कोई मंत्र बुदबुदाने लगे। मंत्र समाप्त होने के 10 मिनट बाद तक वो उसी स्थिति में बैठे रहे। 10 मिनट के बाद जब मार्क ने अपनी आंखें खोली तब उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींची हुई थी और उनकी दोनों हथेलियां पसीने से तर थी। अपने हाथों का पसीना पोंछकर उन्होंने एक बार फिर उन्हें उस कब्र पर रखा और कहा, 2 दिन बाद अमावस्या है, मैं उसी रात आऊंगा, तब तक मेरा इंतजार करना। फिर उस कब्र के पास से उठकर एक बार फिर मार्क पहले वाले कब्र के पास आए और उसे सहलाकर वहां से वापस लौट पड़े। कब्रिस्तान से थोड़ी दूरी पर जहां पर उन्होंने अपनी कार पार्क की हुई थी, वहां पहुंचकर उन्होंने कार का दरवाजा खोला और फिर तेजी से कार शहर की तरफ दौड़ पड़ी। शहर की जानी मानी पॉश कॉलोनी में मार्क का एक शानदार घर था जिसमें वो अकेले ही रहते थे। किसी जमाने में वो शहर के नामी व्यापारियों में से एक थे, लेकिन अब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। अपनी मदद के लिए उन्होंने मात्र एक नौकर टॉनी को रखा हुआ था जो उसके पुराने नौकर का बेटा था और अब अपने पिताजी की जगह वो काम कर रहा था। टॉनी के कानों में जैसे ही गाड़ी की आवाज आई, उसने फुर्ती से घर का दरवाजा खोल दिया। मार्क हमेशा घर लौटकर टॉनी की तरफ देखकर अपने परिचित अंदाज में मुस्कुराकर कहते थे, मेरे लिए इतनी रात तक मत जागा करो बच्चे, मेरे पास घर की दूसरी चाबी रहती है। लेकिन टॉनी, जो मार्क को बिल्कुल अपने पिता जैसी इज्जत देता था, उसने कभी मार्क को दूसरी चाबी से दरवाजा खोलने का अवसर ही नहीं दिया। फिर भी मार्क हर रात यही बात दोहराते थे और जवाब में टॉनी मुस्कुराते हुए उनके हाथ का बैग अपने हाथ में लेकर सीधे घर के अंदर बने हुए छोटे से ऑफिस में रख देता।
लेकिन आज जब मार्क घर लौटे तब ना टोनी की तरफ देखकर मुस्कुराए और ना कुछ कहा। बस खामोशी से टोनी को अपना बैग देकर वो घर के पिछले हिस्से में बने कमरे में चले गए जो उनकी बेटी लीजा की मौत के बाद से ही बंद था। वही लीजा जिसकी कब्र पर उसके पसंदीदा पीले फूल रखकर अभी अभी मार्क घर लौटे थे। मार्क के साथ रहते रहते टोनी उन्हें काफी हद तक समझने लगा था। हो ना हो कोई बहुत गंभीर बात है जिसकी वजह से अंकल इतनी परेशान हैं, लेकिन जब तक वो स्वयं मुझे बताना नहीं चाहेंगे मैं लाख कोशिश करके भी जान नहीं पाऊंगा। सिवाय इंतजार करने के मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चिंता में डूबा हुआ टोनी स्वयं से ही बातें कर रहा था। आखिरकार अपने कमरे में जाने की जगह उसने यहीं बैठकर मार्क के आने का इंतजार करना उचित समझा। कुछ घंटों के बाद जब मार्क कमरे से बाहर निकले तब उनकी नजर सोफे पर बैठे बैठे ही सोए हुए टोनी पर पड़ी। उन्होंने कमरे से एक कंबल लाकर टोनी को ओढ़ाया कि तभी टोनी की नींद खुल गई। अरे अंकल आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, लेकिन पता नहीं कब आँख लग गई, टोनी ने अपनी आँखें मलते हुए कहा। टोनी की तरफ प्यार से देखते हुए मार्क बोले, ओह बेटे तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने कमरे में आराम से सोया करो, तुम इस घर के नौकर नहीं सदस्य हो। मार्क की बात सुनकर टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सदस्य हूँ इसीलिए तो यहाँ बैठा हूँ अंकल, आज घर आकर आप मुझे देखकर मुस्कुराए नहीं कुछ कहा भी नहीं, तभी मैं समझ गया था कि जरूर आप किसी गहरी चिंता में हैं। इस स्थिति में क्या मैं अपने कमरे में आराम कर सकता हूँ? बहुत समझने लगे हो तुम मुझे, मार्क टोनी की ओर देखते हुए बोले। अंकल अगर आपको लगता है कि मैं भरोसे के लायक हूँ तो क्या आप मुझे अपनी परेशानी की वजह बता सकते हैं? टोनी की नजरें मार्क पर टिकी हुई थी, मानो वो उनके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर तक कमरे में गहन खामोशी छा गई, फिर मार्क ने टोनी को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो टोनी को लेकर उसी कमरे में पहुंचे जहां से अभी वो बाहर आए थे। उस कमरे को देखकर टोनी एक बार को घबरा गया। उस कमरे में कई मानव खोपड़ियां, हड्डियां, तरह तरह की मालाएं, विचित्र से क्रॉस, अलग अलग तरह की पानी भरी बोतलें रखी हुई थी और साथ ही कमरे की बीचों बीच रखा हुआ एक काले रंग का बोर्ड जिसके केंद्र में एक विचित्र सी लाल मोमबत्ती जल रही थी। टोनी को घबराया हुआ देखकर मार्क बोले, डरो मत अंदर आओ। जब टोनी अंदर आया तब उन्होंने कहा, अब तक तो तुम समझ गए होगे कि ये सारी चीजें क्या हैं। जी अंकल ये तो तंत्र मंत्र का सामान है, मतलब आप कोई तांत्रिक हैं? टोनी की आवाज में कुछ संशय था। हाँ बेटे, लेकिन मैंने अपने जीवन में अब तक सिर्फ एक बार तंत्र का प्रयोग किया है, आज से 10 वर्ष पहले, और उसके बाद आज ही मैंने इस कमरे को खोला है, वो भी लीजा की जिद पर। लीजा दीदी, उनकी जिद पर वो तो, टोनी ने कुछ अजीब नजरों से मार्क को देखा। हाँ वो तो मर चुकी है, लेकिन जब भी मैं उसकी कब्र पर जाता हूँ वो मुझसे बातें करती है, और आज मुझसे बातें करते हुए उसने एक अजीब सी जिद की। मार्क ने कमरे की दीवार पर एक कोने में लगी लीजा की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, कैसी जिद? टोनी ने
आश्चर्य से पूछा। उसके सवाल का जवाब देते हुए मार्क बोले, जिस कब्रिस्तान में लीजा दफन है वहीं दो दिन पहले एक लड़की को दफनाया गया है, लेकिन उसकी मौत भी स्वाभाविक नहीं थी और अब वो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। इसके लिए उसे मेरी मदद चाहिए और लीजा चाहती है कि मैं उसकी मदद करूं। ओह, तो अब आप क्या करेंगे अंकल? आप कैसे उसकी मदद करेंगे? टोनी ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की। जोम्बी, मैं उसे जोम्बी में बदल दूंगा, फिर अपना बदला वो स्वयं अपने हाथों से लेगी, कहते हुए मार्क हल्का सा मुस्कुराए। पर अंकल, क्या ये सही है? टोनी ने सवाल किया। इसका जवाब देते हुए मार्क बोले, अन्याय का जवाब देने का जो रास्ता मिले वो सब सही है बेटे। जब कानून से, पुलिस से मेरी लीजा को इंसाफ नहीं मिला, तब मैंने मजबूर होकर अपने गुरुजी की मदद से तंत्र विद्या सीखी और लीजा के अपराधियों को सबक सिखाया। अब वक्त आ गया है जब एक बार फिर मुझे इस विद्या का प्रयोग करना होगा समाज की दूसरी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। लीजा दीदी के अपराधी क्या हुआ था उनके साथ अंकल? टोनी ने एक और सवाल किया। मार्क ने लीजा की तस्वीर पर जमी धूल साफ करते हुए कहा, ये बात आज से 10 वर्ष पहले की है, जब लीजा 18 वर्ष की थी। वो अपने कॉलेज के होनहार छात्रों में एक थी। अपनी बिन माँ की बेटी को अकेले बड़ा करने की वजह से मैं उसके बहुत करीब था। लीजा का चेहरा देखकर ही मैं समझ जाता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। कुछ दिनों से अचानक मैंने महसूस किया कि हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली मेरी बेटी खोई खोई और डरी सहमी रहने लगी है, लेकिन अपनी हर बात मुझे बताने वाली मेरी बेटी ने इस बार खामोशी का चादर ओढ़ लिया था। जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं सुबह के वक्त लीजा से छुपकर उसकी एक सहेली के घर गया। उसकी सहेली ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मैं चौंक गया। दरअसल कुछ आवारा किस्म के लड़के कुछ दिनों से कॉलेज आते जाते लीजा को देखकर छेड़खानी कर रहे थे। उनकी उल्टी सीधी बेशर्मी भरी बातों से मेरी बच्ची डरी सहमी रहने लगी थी। वो मदद के लिए अपनी सहेलियों की तरफ देखती तो सबकी नजरें झुकी हुई मिलती और वो सारे लड़के पूरे समूह में होते, इसलिए लीजा उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। वो कॉलेज जाना भी बंद नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ ही दिनों में परीक्षाएं होने वाली थी। जब मुझे ये सारी बातें पता चली तब मैंने तय किया कि आज के आज सबसे पहले लीजा का दूसरे शहर के कॉलेज में दाखिला करवा दूंगा और साथ ही साथ उसे जूडो कराटे सीखने के लिए भी प्रेरित करूंगा। लेकिन ये मेरी और लीजा की बदकिस्मती थी कि मेरे बिजनेस पार्टनर ने उस दिन मुझे एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ जल्दी ही ऑफिस बुला लिया। मैंने उसकी सहेली को फ़ोन करके बस एक दिन लीजा का ध्यान रखने के लिए कहा और सोचा आज प्रोजेक्ट का काम निपटा कर मैं एक हफ्ते की छुट्टी ले लूँगा और लीजा को अच्छी तरह दूसरे शहर में शिफ्ट कर दूँगा। इधर मैं क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में था, उधर मेरे फ़ोन पर मेरी ज़िंदगी की सबसे मनहूस खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो आवारा लड़के जो कल तक कुछ दूरी से लीजा को परेशान करते थे, आज वो लीजा के करीब आने की
कोशिश करने लगे और उनसे बचकर भागने की कोशिश में लीजा एक गाड़ी के नीचे आकर हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी थी। लीजा की मौत के बाद जब मैंने कॉलेज प्रशासन से सवाल किया कि उनके ही कॉलेज के पास उनकी छात्रा के साथ ये सब होता रहा और पहले भी ना जाने कितनी छात्राओं के साथ हुआ होगा, आगे भी होगा, इस सब के बावजूद उन्होंने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया, तब वो बड़ी बेशर्मी से बोले, उन लड़कों के बाप मुझसे भी ज्यादा पहुंच वाले हैं, इसलिए कोई उनसे नहीं उलझता। अब जब कोई उनके खिलाफ गवाही ही नहीं देता तो सिर्फ एक लड़की की शिकायत पर हम कुछ नहीं कर सकते। उनका जवाब सुनकर मैं पुलिस थाने गया, पर उन्होंने भी यही कहा कि कोई इस बात का गवाह नहीं है कि मेरी बेटी की मौत उन लड़कों की वजह से हुई है, इसलिए वो मेरी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। हर तरफ से निराश होने के बाद मुझे एक ही व्यक्ति की याद आई, वो थे मेरे गुरुजी, और तब शुरू हुआ विनाश का खेल। इतनी कहानी सुनकर सहसा मार्क फिर से चुप हो गए। टोनी ने ही हिम्मत जुटाकर इस खामोशी को तोड़ा और कहा, कैसा खेल, कैसा विनाश अंकल? उन सब दुष्टों के विनाश का खेल जिन्होंने मेरी लीजा को मुझसे छीना था। अपने गुरुजी की मदद से मैंने एक महीने के अंदर ही तंत्र विद्या में महारत हासिल कर ली और फिर एक दिन कब्रिस्तान के चौकीदार के साथ मिलकर मैंने लीजा की लाश को चुपके से उसकी कब्र से निकाला और अपनी सिद्धियों की मदद से उसे जोम्बी बना दिया। जोम्बी? टोनी के चेहरे पर अब कुछ कुछ भय झलकने लगा था। हाँ, जोम्बी, जिसका मतलब होता है चलती फिरती लाश जो इंसानों को मारकर उनका मांस खाती है। मेरी मदद से वो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकती थी, जो चाहे कर सकती थी, लेकिन कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, कहकर मार्क ठहाका लगाकर हंस पड़े। टोनी को इस वक्त मार्क की हंसी बहुत डरावनी लग रही थी। सहसा उसकी आंखों के आगे 10 वर्ष पूर्व की कुछ डरावनी खबरों की तस्वीरें लहराने लगी। आधी रात का वक्त था, लगभग सारा शहर नींद की आगोश में समाया हुआ था, लेकिन कुछ मस्तीखोर युवा अभी भी क्लब में पार्टी करने में मशगूल थे। आखिरकार जब उनकी पार्टी खत्म हुई तब नशे में चूर वो सब अपने घर जाने के लिए निकले। गाड़ी में उनका ड्राइवर उनके इंतजार में बैठा हुआ था। सभी लड़कों को बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही अचानक ड्राइवर ने गाड़ी की दिशा मोड़ दी। ये तू क्या कर रहा है, कहां ले जा रहा है इस गाड़ी को? उन लड़कों में से एक लड़का गुस्से से चीखा। वहीं जहां तुम लोग सारा दिन मस्ती मजाक करते हो, लड़कियों को छेड़ते हो, वहीं पर मैं इस गाड़ी को ले जा रहा हूं। कहते हुए सहसा ड्राइवर सीट पर बैठी हुई लीजा ने ड्राइवर कैप से छुपाए हुए अपने चेहरे को उन सब के आगे प्रकट कर दिया। लीजा की खून से लाल आंखें देखकर वो सब वहीं डरकर बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तब वो कॉलेज के सामने उसी सड़क पर थे जहां लीजा की मौत हुई थी। लीजा ने उनमें से एक लड़के को छोड़कर बाकी सबको बारी बारी से जमीन पर पटका और गाड़ी उन पर चढ़ा दी। फिर उनके मांस के टुकड़ों से अपना पेट भरकर वहां से गायब हो गई। कुछ घंटों के बाद जब सुबह हुई
तब लोगों ने देखा वो लड़का जिसे लीजा ने छोड़ दिया था नशे में धुत गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसके मुंह पर बाकी लड़कों का खून लगा हुआ था। साथ गाड़ी के चारों ओर उन लड़कों की मांस नुची गाड़ी से कुचली हुई लाशें पड़ी थी। आखिरकार इस बार पुलिस ने उस लड़के को नशे में गाड़ी चलाकर अपने दोस्तों का कत्ल करने और उनके शव के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार कर ही लिया। वो बार बार कहता रहा कि ये सब लीजा ने किया है, लेकिन उसे पागल समझकर अदालत ने उसे मुजरिमों के पागल खाने में भेज दिया। उसके पागल खाने जाने के कुछ दिन बाद एक बार फिर लीजा की लाश उससे मिलने पहुंची। इस बार वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और लीजा के कुछ करने से पहले खुद ही डर की वजह से दिमाग की नस फटने से वो मर गया। उसके मरने के बाद लीजा उसकी लाश उठाकर पागलखाने के पीछे के जंगल में ले गई और हमेशा की तरह पेट भर उसका मांस खाकर गायब हो गए। अगले दिन सुबह यही लगा कि वो लड़का पागलखाने से भागने की कोशिश में जंगली जानवरों का शिकार बन गया। इस लड़के की मौत के कुछ दिनों बाद ही एक एक करके कॉलेज के वो सारे अधिकारी और वो पुलिस कर्मी जिन्होंने लीजा के साथ हुए हादसे की जवाबदेही से इनकार कर दिया था, संदिग्ध अवस्था में इसी तरह मांस नुची देह के साथ मृत पाए गए। अंतिम बार सभी मरने वालों की जुबान पर एक ही नाम था, लीजा। एक बार तो पुलिस को लगा कि शायद ये खूनी खेल मार्क खेल रहे हैं, लेकिन इन सभी लोगों के मृत्यु के वक्त मार्क के शहर में होने का कोई सबूत नहीं मिला। मार्क तो उसी दिन शहर छोड़कर चले गए थे जिस दिन उन्होंने कब्र से लीजा की लाश को निकाला था और फिर वहीं बैठे बैठे अपनी तंत्र विद्या और लीजा की जोम्बी बनी लाश के सहारे उन्होंने बिना कोई सबूत छोड़े अपनी बेटी के कातिलों को उनकी सही जगह भेजकर ना जाने कितनी बेटियों की जान बचा ली थी। जब उनका बदला पूरा हो गया तब उन्होंने लीजा की लाश को एक बार फिर सामान्य लाश में बदल दिया और चुपचाप उसे उसकी कब्र में दफना दिया। मार्क ने अब अपना व्यापार अपने पार्टनर को सौंप दिया था। अब उनका सारा वक्त बस घुमकड़ी में बीतता था। पिछले एक वर्ष से वो टोनी के साथ बाहर ही बाहर थे और अभी जब अपने शहर वापस लौटकर लीजा के कब्र पर गए तब एक और बेटी मदद के लिए उन्हें पुकारने लगी। सारी बातें सुनकर टोनी ने कहा, अंकल मैं भी इस काम में आपके साथ हूँ, ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है टोनी, अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो ज़रूर बताऊँगा। अब मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ घंटों के बाद मुझे एक विशेष पूजा शुरू करनी है जिसमें कम से कम 18 घंटे लगेंगे, कहकर मार्क अपने कमरे में चले गए। अपनी नींद पूरी करने के बाद मार्क एक बार फिर उसी कमरे में आए और दरवाज़ा बंद करके 18 घंटों की साधना में लीन हो गए। साधना पूरी होने के बाद जब मार्क निश्चित थे बस उन्हें इंतज़ार था अगली रात का यानी अमावस्या का। अमावस्या की उस घोर अंधेरी रात में जब हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था तब मार्क की गाड़ी एक बार फिर कब्रिस्तान से कुछ दूर पहले रुक गई और अपनी लाठी का सहारा लिए
मार्क धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। कब्रिस्तान के चौकीदार से वो पहले ही फोन पर बात कर चुके थे और वो मार्क के कहे अनुसार सारी चीजों के साथ तैयार था। जैसे ही मार्क कब्रिस्तान पहुंचे, चौकीदार भी उनके पीछे पीछे आया। उसके हाथ में एक कुदाल मौजूद था। मार्क ने पहले लीजा की कब्र पर उसके प्रिय फूल रखे और फिर स्टेला की कब्र की तरफ बढ़ गए। स्टेला की कब्र के पास बैठकर मार्क ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर चौकीदार को कुदाल चलाने का इशारा किया। कुछ ही देर के बाद स्टेला की लाश ताबूत से बाहर मार्क के सामने थी। मार्क ने अपने पास से एक बोतल निकाली जिसमें अभी मंत्रित जल था। उस जल से उन्होंने स्टेला के पूरे शरीर को स्नान करवाया और फिर एक दूसरी बोतल निकाली। इस दूसरी बोतल में भरे जल के छींटे जैसे ही स्टेला पर पड़े, उसके शरीर में हलचल होने लगी और कुछ ही पलों में अपनी आंखें खोलकर वो खड़ी हो गई। उसने मार्क को देखा और फिर उसके इशारे पर मुस्कुराते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। इधर घर में मौजूद टोनी बेचैनी से टहलते हुए मार्क के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मार्क आए, उसने अपनी सवालिया नजरें उसके चेहरे पर टिका दी। उसके मौन सवालों को समझते हुए मार्क ने कहा, हाँ टोनी, वो आ गई है अपने कब्र से बाहर। वैसे तो इस तरह के अपराध करने वाले लोगों की आत्मा पहले ही मर चुकी होती है, लेकिन अब उनका पापी शरीर भी नहीं बचेगा। कैसा अपराध? इस लड़की के साथ क्या हुआ था अंकल? टोनी ने पूछा। सोफे पर बैठते हुए मार्क ने कहा, इस शहर में चोरी छुपके एक गिरोह काम कर रहा है जो मॉल वगैरह में शॉपिंग करने गई उन लड़कियों की वीडियो बनाता है जो ट्रायल रूम में कपड़े ट्राई करने जाती है और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ड्रग के व्यापार में उतरने पर मजबूर कर देते हैं। जो लड़की उनका विरोध करने की कोशिश करती है, उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर वो मौत के घाट उतार देते हैं। पुलिस को कुछ मामलों की भनक लगी है, लेकिन वो अब तक असली अपराधियों तक पहुंच नहीं सकी है और ना कोई ठोस सबूत ही जुटा पाई है। ये लड़की जिसका नाम स्टेला है, वो भी इन्हीं शिकार बनी लड़कियों में से एक है, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक असमय हुई मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए उसे बदला चाहिए, अपने साथ हुए अपराध का बदला। मार्क ने देखा उनकी बात सुनकर टोनी के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। क्या हुआ टोनी, तुम्हें डर लग रहा है क्या? मार्क ने पूछा। नहीं अंकल, असल में आज तक ये बस फिल्मों में ही देखा था ना, इसलिए। अच्छा, अब आप भी आराम कीजिए, मैं भी सोता हूँ, कहकर टोनी ने हमेशा की तरह मार्क का बैग ऑफिस वाले कमरे में रखा और फिर अपने कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह जब मार्क की नींद खुली, तब अखबार के पहले पन्ने पर ही दिल दहला देने वाली खबर थी। शहर के मशहूर मॉल के मालिक की उसी के मॉल के टेरेस से गिरने की वजह से मृत्यु हो गई थी, लेकिन साथ ही 10 वर्ष पूर्व की घटनाओं की तरह इस आदमी के शरीर का मांस भी गायब था। जब लोगों को सुबह उसकी लाश दिखी, तब उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। शहर में एक बार फिर किसी नरभक्षी के घूमने की अफवाहें जोर पकड़ने लगी। मॉल के नाइट गार्ड ने बयान दिया था कि उसने
अपने मालिक के पीछे एक अजीब सी दिखने वाली लड़की को देखा था, लेकिन जब वो उसके पीछे पीछे टेरेस पर गया तो देखा मालिक वहां से नीचे गिर चुके हैं और उस लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं है। पुलिस ने गार्ड के बयान को आधार बनाकर छानबीन शुरू की, लेकिन उन्हें इस लड़की के अस्तित्व का कोई चिन्ह नहीं मिला। उन्हें लगा कि शायद गार्ड ने नींद के असर में यूं ही कोई कल्पना कर ली थी। शायद शहर के पास के जंगल से कोई आदमखोर जानवर घुस आया हो। वन विभाग भी इस घटना के बाद अलर्ट हो चुके थे। अभी ये केस सुलझा भी नहीं था कि शहर के जाने माने स्टूडियो मालिक की हत्या की खबरों से अखबार के पन्ने रंगे हुए थे। इस बार भी मरने वाले के बदन पर कोई कपड़ा नहीं पाया गया था और उसके शरीर से मांस गायब था। इन दो मौतों के बाद शहर में पूरी तरह भय का माहौल व्याप्त हो गया था। सबकी यही कोशिश थी कि रात में किसी भी हालत में घर से बाहर ना निकले। शहर का जाना माना क्लब जो ड्रग्स का अड्डा था, उसके मालिक जडेजा ने भी क्लब को शाम में ही बंद करवा दिया और अपने घर चला गया। रात के 2 बज रहे थे जब अचानक जडेजा की आँख खुली। उसने अपने सामने भयानक चेहरा लिए स्टेला को देखा और जोड़ों से चीख पड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वहीं बगल में सोई उसकी पत्नी इस भयानक चीख को सुनकर भी नहीं जागी। देखते ही देखते स्टेला ने जडेजा को अपने हाथ में उठाया और पलक झपकते ही उसे लेकर उसके घर की छत पर पहुंच गई। छत पर पहुंचकर स्टेला ने जडेजा को नीचे उतारा और फिर जैसे ही स्टेला ने अपनी खौफनाक नजरें उसके ऊपर डाली, उसके शरीर के सारे कपड़े एक एक करके उतरते चले गए। जडेजा की हालत इतनी खराब थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो बस जोड़ जोड़ से रोते हुए स्टेला के आगे सिसक रहा था। उसे ज्यादा तड़पने का वक्त ना देते हुए स्टेला ने एक झटके में उसे छत से नीचे फेंक दिया और फिर उसके मांस के टुकड़ों से अपना पेट भरकर वहां से गायब हो गई। एक के बाद एक शहर में लगभग 25 मौतें हो चुकी थी, जिसमें बड़े बड़े व्यापारी, सरकारी अधिकारी, कंप्यूटर एक्सपर्ट सब शामिल थे। मार्क के अलावा बस एक टोनी ही था जो इन मौतों के पीछे की असली वजह जानता था। टोनी ने कुछ सोचकर मार्क से कहा, अंकल अब तो लगता है स्टेला का बदला पूरा हो गया, अब आपको उसे उसकी कब्र में पहुंचा देना चाहिए। मार्क कुछ कहते कि तभी अचानक घर की खिड़कियां और दरवाजे भयानक रूप से आवाज करने लगे और देखते ही देखते सारी बत्तियां बुझ गई। मार्क तुरंत समझ गए कि ये सब क्यों हो रहा है। स्टेला तुम यहाँ क्यों आई हो? ये मेरा घर है बेटी, तुम्हारे मार्क अंकल का, मार्क ने एक दिशा में देखते हुए कहा। मार्क के इतना कहते ही कमरे की बत्तियां जल उठी। टोनी ने सामने खड़ी स्टेला को देखा जो जोम्बी के रूप में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके बिखरे हुए बाल खून की बारिश करती हुई आंखों को देखकर टोनी डर के मारे चीख उठा। उसे इस तरह चीखता देखकर स्टेला जोड़ जोड़ से हंसने लगी। उसकी ये हंसी इतनी भयानक थी कि कुछ देर के लिए तो मार्क भी डर गए। उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो स्टेला से कुछ सवाल कर सके। कुछ देर के बाद जब स्टेला की हंसी रुकी, तब उसने
टोनी की तरफ देखते हुए कहा, तू चीख क्यों रहा है मुझे देखकर? आज क्या डरावनी लग रही हूं मैं तुझे? और उस दिन जब मैं चीख रही थी तब तो तू कह रहा था बहुत खूबसूरत हूं मैं। आज नहीं पढ़ेगा मेरी खूबसूरती के कसीदे? बोल, बोलता क्यों नहीं है? स्टेला की बात सुनकर टोनी घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो स्टेला, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह, वो पाप जिसकी कोई माफी नहीं है, स्टेला चीखते हुए बोली। मार्क को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और टोनी का स्टेला से क्या संबंध था। उन्होंने टोनी से सवाल करते हुए कहा, स्टेला क्या कह रही है? टोनी की जगह स्टेला की आवाज मार्क के कानों में पड़ी। मैं बताती हूँ अंकल, वो टोनी ही है जो इस शहर में ड्रग्स मंगवाता है और फिर हर जगह उसकी सप्लाई करता है। चूंकि आप शहर के अच्छे इलाके में रहते हैं और आपकी छवि एकदम बेदाग है, इसलिए आपके साथ बने रहने के कारण कोई इस पर शक नहीं करता। मेरी मौत के लिए जो शख्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो ये टोनी ही है, इसलिए मैंने इसका हिसाब सबसे अंत में करने के लिए इसे छोड़ रखा था। अपनी बात खत्म करके स्टेला टोनी की तरफ बढ़ी ही थी कि टोनी ने अपने जेब से मार्क के उस तंत्र वाले कमरे से बोट पर लगी हुई उस लाल मोमबत्ती को जला दिया जिसे जलाकर मार्क अपनी साधना करते थे। जब तक ये मोमबत्ती मेरे हाथ में है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती ज़ॉम्बी स्टेला। जैसे ही अंकल ने मुझे तुम्हारा नाम बताया उसी वक्त मैंने चुपके से अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया था। इसी आग से अब मैं तुम्हें जला दूंगा, कहकर टोनी हंसा। टोनी की ये हरकत देखकर मार्क समझ गए कि स्टेला की बात झूठ नहीं है। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद की और तेजी से एक मंत्र पढ़कर टोनी की दिशा में फूंक मारी। मार्क के फूंक मारते ही टोनी के हाथ में जल रही मोमबत्ती बुझ गई और वो हवा में उड़ते हुए मार्क के हाथों में आ गई। नहीं अंकल, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने ही तो कहा था मैं इस घर का सदस्य हूँ, आपके बेटे जैसा हूँ। टोनी ने अपने आप को बचाने की अंतिम कोशिश करी। बेटे जैसे होने की जगह अगर तुम मेरे बेटे भी होते तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं देता, मार्क ने गुस्से से कहा। फिर वो स्टेला की ओर देखते हुए बोले, तुम्हारा अपराधी सामने है स्टेला। स्टेला ने अपने कदम टोनी की तरफ बढ़ाए और उसे अपने हाथ में दबोचकर उसके उसी अड्डे की तरफ चल पड़ी जहां उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर स्टेला का कत्ल किया था। कुछ ही क्षण के बाद टोनी की लाश जमीन पर पड़ी थी और स्टेला उसके मांस से अपनी भूख मिटाकर मार्क के आगे खड़ी थी। एक बार फिर मार्क अपनी साधना शुरू कर चुके थे। स्टेला को सामान्य लाश के रूप में उसकी कब्र तक पहुंचाने के लिए स्टेला को उसकी कब्र में वापस विधिवत दफनाने के बाद मार्क लीजा की कब्र के पास गए और बोले, बेटी आज के बाद मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं सभी बेटियों और उनके माता पिता के बीच जागरूकता फैलाऊं, उन्हें समझाऊं कि सभी बेटियों के लिए आत्मरक्षा के गुण सीखने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, साथ ही उन्हें तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध कराऊं, जिससे पब्लिक प्लेस में सचेत रहकर वो छुपे हुए कैमरे ढूंढ सके। उन्हें बताऊं प्यार के नाम पर ऑनलाइन चैटिंग में वीडियो कॉल में कुछ ऐसा मत करो जिसका भयानक अंत हो।
साथ ही सभी माता पिताओं से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों के दोस्त बनिए, ताकि कोई भी बात आपको बताने से वो घबराए नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बेटी? लीजा की कब्र से आती हुई सुगंध मार्क को बता रही थी कि उनकी लीजा उनकी बात से बहुत खुश है और अपने पिता पर गर्व महसूस कर रही है। तो दोस्तों, कहानी बस इतनी ही थी। तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।